नोकिया ने वापसी करी है अपने पहले एंड्रॉइड फोन लॉन्च करके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया 6 की। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोकिया 6 की अनबॉक्सिंग की, बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और दूंगा आपको फर्स्ट इंप्रेशंस और फोन का कंप्लीट ओवरव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर टेकी और फटाफट चलते हैं सबसे पहले इस फोन के अनबॉक्सिंग की तरफ। तो दोस्तों चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं नोकिया 6 की। ये जनरली मैं बॉक्स को दिखाता नहीं हूँ क्योंकि यू नो इट इज इजीली अवेलेबल, बट राइट नाउ ये अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। ये चाइनीज मॉडल है तो मैं बता देता हूँ ये कुछ चाइनीज में ही लिखा हुआ है। सो जो थोड़ी बहुत चीजें हमें समझ में आ रही है कि 5.5 इंच का स्क्रीन है एंड 4G LTE मॉडल है, 64GB इंटरनल मेमोरी है, 4GB रैम है और एंड्रॉइड नुगट के साथ ही आता है। सिंस मैंने इसको अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, जैसे आप देख सकते हैं सील इसकी खुली है तो इंडियन कस्टम्स ने इसको ऑलरेडी खोल दिया है। तो मैं अब चेक करता हूँ कि इसके बॉक्स के कंटेंट्स क्या क्या हैं। ये सबसे पहले ये आता है फोन, राइट? सो हियर इट इज, दिस इज दी नोकिया 6। इसको मैं निकालता हूँ इस प्लास्टिक में से। ऑलराइट, फर्स्ट इंप्रेशंस थोड़ा लाइट है, 5.5 इंच की स्क्रीन है इसकी एंड स्टिल इट इज हैंडी। ग्रिप काफी सॉलिड है क्योंकि शैम्फर्ड एजेस हैं तो काफी सॉलिड ग्रिप है इसकी। और अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की तो सीरियसली प्रीमियम क्वालिटी का फोन लगता है ये। सो अभी इसको साइड रखते हैं और चेक करते हैं कि बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं। सो हेयर वी हैव अ सिम इजेक्टर टूल, सम मैनुअल्स एंड यहाँ एक बॉक्स दिया गया है। Alright, so we have headphones, data cable, charger. अगर डेटा केबल की बात करें, दिस इज दी माइक्रो USB डेटा केबल। सो श्योरली टाइप सी पोर्ट अवेलेबल नहीं है इस फोन में। Alright, let's move on to the charger. This is how it looks. अगर मैं चार्जर के आउटपुट की बात करूं, तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला चार्जर है और इसके साथ हमें कुछ स्टैंडर्ड हेडफोन्स भी मिलते हैं। लेट मी ओपन दैम। So this comes with the mic control, but quality seems like normal. This is what we get out of the box. Let's do the first boot. Right, powered by Android. Right, so we have a Nokia branding this time. Right, that's what we have. So what I'll do is, मैं सबसे पहले इसको क्विकली सेटअप कर लेता हूँ एंड देन विल टेक इट फॉर। नोकिया के फोन हमेशा ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इस फोन के वेट की बात करूँ तो वैसे तो पकड़ने में इतना ज्यादा लगता नहीं है, बट एक्चुअल वेट इसका 169 ग्राम्स है जो मेरे हिसाब से काफी कंपेरेबल है अगर मैं इस फोन को कंपेयर करता हूँ 5.5 इंच की और डिवाइसेस के साथ। ग्लास और एल्यूमिनियम बॉडी से बना ये फोन एक फुल यूनिमेटल बॉडी डिजाइन वाला फोन है, पकड़ने में एक प्रीमियम फोन की फील जरूर आती है। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें लगा है 5.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले। ये एक फुल HD डिस्प्ले है यानी कि 1920x1080p का रेजोल्यूशन है और 2.5D का ग्लास लगा हुआ है, दैट इज द गोरिल्ला ग्लास 3। डिस्प्ले थोड़ा बहुत शार्प है और पिक्सल डेंसिटी की मैं बात करूँ 401 पिक्सल्स पर इंच। ऊपर की तरफ बात करूँ तो इसमें लगा है 8 मेगापिक्सल का शूटर, कुछ सेंसर्स, नोटिफिकेशन लाइट और ईयरपीस। नीचे की तरफ बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा बैकलिट कैपेसिटिव कीज। तो ये ओरिएंटेशन काफी इरिटेट करती है बिकॉज इसमें बैक बटन इस साइड है और होम बटन इस साइड है एंड दैट इज द फिक्स, यू कांट चेंज इट। एंड बीच में लगा है एक होम बटन जो कि एक फिजिकल होम बटन नहीं है और उसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। बैक में लगा है सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन, 16 मेगापिक्सल का शूटर विद डुअल टोन डुअल LED फ्लैश और नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है पीछे की तरफ। राइट साइड में देखें तो दिए गए हैं वॉल्यूम रॉकर कीज और पावर बटन और ऊपर की तरफ दिया गया है 3.5mm जैक। नीचे की तरफ देखें तो इसमें दिया गया है आउटपुट स्पीकर, माइक्रो USB पोर्ट एंड प्राइमरी माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड पे बात करूं तो इसमें लगा है एक सिम कार्ड स्लॉट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है, या तो आप 2 सिम यूज कर सकते हैं और या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। सबसे पहले सिस्टम ऑन चिप की बात करें तो ये एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंट मिलेगा। इसमें लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एंट्री लेवल प्रोसेसर 430।
64 बिट का ये प्रोसेसर 28 नैनोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बना है। और अभी जो फोन्स जिसमें ये प्रोसेसर डिप्लॉयड है वो है लिनोवो K6, एसुस Zenfone लेजर 3, Xiaomi Redmi 3S। तो ये बन जाते हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। ग्राफिक सपोर्ट की बात करें तो ग्राफिक सपोर्ट मिलता है एड्रीनो 505 से। 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये फोन आता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स 51GB इंटरनल मेमोरी आपको मिलती है और इसके साथ आप 256GB का मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इन सब को पावर देता है 3000 मिली एम्पियर की बैटरी, जो मेरे हिसाब से कम है 5.5 इंच की स्क्रीन वाली डिवाइस के लिए। इसमें लगे सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। ये आता है एंड्रॉइड नूगट 7.0 के साथ, जिसके ऊपर लगी है नोकिया की कस्टम स्किन। अगर थीम को हटाएं तो आपको ऑलमोस्ट एंड्रॉइड का स्टॉक एक्सपीरियंस मिलता है। ये एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट बूट में नहीं मिलेगा। आप प्रेफरेंसेस में जाके लेयर मोड सेटिंग्स में आप 2 लेयर जब इसको चेंज कर देंगे देन यू विल बी एबल टू सी दिस स्टॉक एक्सपीरियंस। आते हैं इसके कैमरा की तरफ तो रियर कैमरा में लगा है 16 मेगापिक्सल का शूटर विद F2.0 अपर्चर, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस एंड डुअल टोन डुअल LED फ्लैश। जो सेंसर पिक्सल्स लगे हैं उनका साइज है 1 माइक्रोमीटर, सो एक्सपेक्टेड है कि लो लाइट फोटोग्राफी की भी बुरी नहीं होगी इस फोन की। आपकी सेल्फी के लिए इसमें लगा है 8 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर वाला शूटर। और सेंसर पिक्सल्स के साइज की बारे में बात करें तो ये रियर कैमरा के पिक्सल साइज से थोड़ा ज्यादा है, दैट इज 1.12 माइक्रोमीटर, बट थियोरेटिकली नाइट सेल्फीज काफी अच्छी आनी चाहिए। ये तो जब हम इस फोन का कैमरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे तब उसमें आ ही जाएगा। इसका फील्ड ऑफ व्यू 84 डिग्री वाइड है, सो काफी ज्यादा लोग एडजस्ट हो सकते हैं जब आप सेल्फी फोटो लेते हैं। अगर इस फोन के एस्पेक्ट रेशियो और रेजोल्यूशन में जाकर चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड साइज 12 मेगापिक्सल का आपको 16:9 सेटिंग मिलती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं 4:3 16 मेगापिक्सल में। और फ्रंट की बात करूं तो आपको मिलता है 16:9 6 मेगापिक्सल, जिसको आप चेंज कर सकते हैं 4:3 8 मेगापिक्सल में। और वीडियो सेटिंग्स की बात करें तो बैक कैमरा सपोर्ट करता है सिर्फ 1080p फुल HD रिकॉर्डिंग, और फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो वो भी सपोर्ट करता है 1080p का HD रिकॉर्डिंग। सो श्योरली 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें मिसिंग है। सो दोस्तों ये था ओवरव्यू नोकिया 6 का। श्योरली हम इस पे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं पर्सनली उस पे रिप्लाई करूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।